नमस्कार दोस्तों, भगत सिंह, जन्म 27 सितंबर 1907, स्वर्गवास 23 मार्च 1931। इनकलाब जिंदाबाद, ये इनका नारा था। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स को हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका शहीद भगत सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले यह वीर सदा के लिए अमर हो गए। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुआ हालात को बदलना। भगत सिंह ने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और समाजवाद की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए राजनैतिक सत्ता हासिल करना जरूरी था। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसे विशेषताएं के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर थे। ऐसे समय जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आजादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक नई दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले में खटकर कला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वो सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन की भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ था और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी गई। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनैतिक रूप से काफी उत्तेजित था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों के भारत से निकालने फेंकने की संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। दोस्तों, इनका क्रांतिकारी जीवन इस प्रकार रहा। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया
तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्क्रिय पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोग रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वो भगवत ई चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वो गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट गए। उन्होंने अपने गांव से ही अपना क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वहां लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नामक नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संगठन का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। उनके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वस्थता और राजतंत्र में भागीदारी, पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्हें दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, को मारने की संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक संटर्ट को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा के बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने की बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारियों अधिकारियों को दे दिया। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया ये अधिनियम एक मत से हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला किया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधानसभा, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा था, वहां पे बम फेंकने की योजना बनाई। ये एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको ये दिखाना था कि उनके दमन के तरीके को
को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुक केसर द्वत ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटना स्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनैतिक कैदियों पर हो रही अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनैतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये था महान क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और उसके बगल का बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।